अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से गूगल शॉपिंग एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखें, गूगल शॉपिंग एड्स में आपकी प्रोडक्ट फीड्स के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो एज अ एड जो है वो अपेयर हो रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल, जो हमने यहाँ पर एक केस डिस्कस किया था कि हमारे पास बेबी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है और वो डिफरेंट ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी भी कोई कैटेगरी होगी, यानी आपकी भी प्रोडक्ट रेंज कोई ना कोई होगी, डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज में जो है आप काम कर रहे होंगे, या डिफरेंट ब्रांड्स पर जो है वो आप काम कर रहे होंगे। लेट सपोज कि हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, और ये बंदा जो है 10 मुख्तलिफ ब्रांड्स में जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक केस शेयर कर रहा हूँ, ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3, ठीक है। और इस तरीके से ये बंदा जो है, वो वेबसाइट जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स में जो है वो डील कर रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि अब हम इसके मार्जिन पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड 1 का मार्जिन जो है, यानी अगर ब्रांड 1 की कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो उसको 1,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। ब्रांड 2 पर हर प्रोडक्ट जब भी सेल होती है तो लेट सपोज 100 रुपये का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होता है। ब्रांड 3 पर फॉर एग्जाम्पल उसको 200 200 रुपये का जो है फायदा होता है। इसी तरीके से हम इसको जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर मेंशन ऐड कर देते हैं। और ब्रांड 10 पर भी हम लेट सपोज 500 का जो है उसको प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम चाहें किसी स्पेसिफिक ब्रांड को हम किस तरीके से प्रमोट करेंगे, या हम ये किस तरीके से गूगल को सजेस्ट करेंगे कि यार आप ब्रांड 1 की प्रोडक्ट पे जो है कॉस्ट CPC ज़्यादा ले लो, और ब्रांड 2, ब्रांड 3 की फिर जो है ब्रांड 4 पर जो CPC कॉस्ट है वो आप कम चार्ज करो। लेट सपोज हम कहते हैं कि यार अगर यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन 1,000 का है, तो मैं गूगल को बोलता हूँ कि यार ठीक है, इस ब्रांड पर जो है वो 4 रुपये चार्ज कर लिया करो पर क्लिक। लेकिन ब्रांड 2, ब्रांड 3, ब्रांड 4, ब्रांड 9 तक जो है सिर्फ 2 ही रुपये चार्ज करो, ठीक है। और ब्रांड 10 पर जो है वो आप 3 रुपये चार्ज कर लो कॉस्ट पर क्लिक। तो हम ये किस तरीके से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम वापस से जो है वो गूगल शॉपिंग कैंपेन में जाएंगे, ये हमने एक कैंपेन बनाई थी, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर एड ग्रुप आ रहा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक किया हमने, और सॉरी, या ये ऑल प्रोडक्ट्स आ रहा है, ठीक है। अभी आ रही हैं सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास, हम क्या करें, और यहाँ पर मैक्स CPC की आ रही है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक हमें क्या पड़ेगा 2 रुपये। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ टाइप्स आ रही हैं, प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर आप ये देखें, कंडीशन वाइज, प्रोडक्ट टाइप, मैं ब्रांड वाइज कर रहा हूँ। अब देखिए जिस ब्रांड, ये सारे ब्रांड्स आ गए मेरे पास, और उस हर ब्रांड में कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसको कंटिन्यू टू एडिट बिट्स कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो हूँ सेट कर सकता हूँ कि किस ब्रांड की मुझे बिडिंग बिड प्राइस जो है वो इंक्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूँ कि यार इस वाले ब्रांड पर जो है मुझे लेट सपोज के प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा, तो मैं इसका जो है CPC कॉस्ट जो है वो 4 कर दूँ, यानी 4 कर दूँ, तो मैं इसको सेव कर दूंगा 4 करके। इसी तरीके से मैं बाकी ब्रांड्स को कुछ नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि इसको 2 ही रहे, लेकिन ये वाला एक और ब्रांड है मैं चाहता हूँ इस पे मेरा, लेट सपोज इस पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है ज़्यादा है, तो मैं इसकी भी CPC जो हूँ वो इंक्रीज 4 कर देता हूँ, ताकि गूगल, जब भी गूगल इस ब्रांड की कोई प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग में लेके आना चाह रहा हो, तो उसको मैं सिग्नल दे रहा हूँ कि यार आप इस पे CPC बढ़ा के मुझे जो है वो मेरा इंप्रेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, मुझे टॉप पोजीशन जो है वो दे सकते हो। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट ब्रांड्स को एक तो सेग्रीगेट कर सकता हूँ, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि डिफरेंट ब्रांड्स की जो है वो बिडिंग जो है डिफरेंट कर सकता हूँ। इसको सिंपली मैंने सेव किया। अब आप ये देखें कि हर ब्रांड की, बाकी सारे ब्रांड्स की जो है 2 CPC आ रही है,
लेकिन जिन ब्रांड्स पर हमने, लेट्स सपोज हेलियोज और बैम्बीज है, अगर हम समझते हैं कि यार इन दो ब्रांड्स पर जो है ज्यादा हमारे जो है प्रॉफिट मार्जिन है, तो हमने इसकी सीपीसी जो है वो इंक्रीज कर दी है, तो इस तरीके से भी जो है आप चीजों के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी कैंपेन्स को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हम डिफरेंट तमाम प्रोडक्ट्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांड वाइज, डिफरेंट सेगमेंट्स में, ग्रुप्स में, और उनकी सीपीसी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास एक और यहाँ पर एक पहले से कैंपेन बनी हुई थी, उसके मैं स्टार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ब्रांड वाइज मेरी सेग्रीगेशन हुई हुई है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि किस ब्रांड पर जो है अच्छे इंप्रेशंस मिल रहे हैं, किस ब्रांड पर क्या क्लिक्स मिल रहा है, किस ब्रांड पर क्या कॉस्ट आ रही है, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ से प्रोडक्ट ग्रुप से आके जो हूँ वो देख सकता हूँ। फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि किस ब्रांड का जो कन्वर्जन रेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर किसी ब्रांड और एवरेज सीपीसी क्या आ रही है और क्लिक शेयर क्या आ रहा है। अगर किसी ब्रांड का अच्छा मेरे पास इम्पैक्ट आ रहा है तो मैं उसका सीपीसी भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ताकि उस पर मुझे ज़्यादा इंप्रेशन मिले, उस पर ज़्यादा मुझे क्लिक मिले और वहाँ से जो है मुझे ज़्यादा कन्वर्जन मिलना शुरू हो। इसी तरीके से मैं इसको और किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, मैं इसको मैं ये भी देख सकता हूँ कि अब मैंने क्या किया, कन्वर्जन रेट को इसको सॉर्ट बाय लो कर दिया है, यानी जिन जिन ब्रांड्स का बिल्कुल कम कन्वर्जन रेट आ रहा है, उन पर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहे हैं, तो मैं उन ब्रांड्स को क्या कर सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ, यानी एक्सक्लूड कर सकता हूँ, ताकि उन उन ब्रांड्स को मैं गूगल शॉपिंग से एक्सक्लूड कर दूँ, क्योंकि वहां से मुझे इतना ज़्यादा कन्वर्जन नहीं मिल रहा है और वहां पर मेरे पैसे जो हैं वेस्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उन ब्रांड्स को एक्सक्लूड कर दूँ अपनी गूगल की शॉपिंग कैंपेन से, जो कि पैसे तो जहाँ पर मेरे स्पेंड हो रहे हैं लेकिन मेरा जो कन्वर्जन है वहाँ से नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और इस तरीके से आप अपनी कैंपेन को जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। थैंक यू।